let's join hands in welcoming on stage for our next session, Nayi Kahani, New Stories for Old, Kshama Sharma, Nirupama Dutt, and Fahmida Riaz. We are waiting for Malchand Tiwari and Dushyant ji, and they will join us on stage as soon as they are here. Thank you very much. And we have found them as well. अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, मौसम बीता जाए। तो इस मौसम में हम आज चार कहानीकारों के बीच में बैठी हूँ और इनकी जो कथा यात्रा रही है उसके बारे में बातें करेंगे। और ये अंतिम सेशन था आज, तो हम कितनी भी देर बैठ सकते थे, पर क्षमा जी ने जाना है, उनकी फ्लाइट है, तो थोड़ा जल्दी। सो पहला प्रश्न मैं क्षमा जी से ही करती हूँ कि उनके 11 कहानी संग्रह हैं, कि उनकी कथा यात्रा किस तरह शुरू हुई और कहानी में उन्होंने क्या क्या कहा है। क्षमा जी, पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम। आपके शहर में बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और कुछ जल्दी चली जाऊंगी तो इसके लिए मैं अभी से आपसे माफी मांग लेती हूँ। दोस्तों, कथा यात्रा बड़ा मुश्किल सवाल है। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो एक लोअर मिडिल क्लास लड़की की जिंदगी, जिसके पिता की मौत 15 साल की उम्र में हो गई, और देखने को आगे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। यूं कहने को, अपने बारे में कहना बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ ग्लैमर तलाश रहे हैं, लेकिन 15 साल की उम्र और पिता का न रहना और घर में कभी कभार गाय के दाने की रोटी बनना, सबसे ज्यादा जो मुझे जिंदगी में एक घटना ने परेशान किया और वो लगातार मेरे पीछे चलती रही, और शायद उसी ने मुझे इधर धक्का दिया कि कुछ भी हो इससे निकलो, बाहर जाओ। हम कहते हैं कि हिंदू समाज बहुत नॉन वायलेंट है, अहिंसक है, सताता नहीं है, लेकिन शायद मैं सोचती हूँ कि स्त्रियाँ और दलित इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं कि अगर एक कोई मसला हो जाए तो क्या बीतती है लड़कियों की जिंदगी, कैसे नर्क बनती है। वो एक अंधेरे से निकलती हैं तो दूसरे अंधकार में उनको धक्का दे दिया जाता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगी निरुपमा जी, आप सबको भी। 15 साल की थी, छोटा सा शहर था, गांव कहिए। गांव के बारे में अक्सर लोग कहते हैं गांव बहुत दयालु होते हैं, वहां बहुत करुणा का समुद्र बहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लड़कियों के लिए गांव कैसे होते हैं वो आज तक आप देखते हैं कि किस तरह खाप पंचायतें या लड़कियों पर तमाम जाति के सवाल, प्रेम के सवाल, अपनी मर्जी से शादी के सवाल, उनके पढ़ने के सवाल सारे आते रहते हैं। 15 साल की थी, पिता नहीं रहे थे। एक कोई क्षमा नाम की लड़की को पुलिस ने पकड़ा, और वो क्षमा कब क्षमा बना दी गई, और जिसको देखो वो पूछ रहा है कि तुमको पुलिस ने पकड़ा था। सबको आप जवाब नहीं दे सकते, पूरे गांव को आप नहीं बता सकते कि आप वो नहीं थे। और वो चीज जैसे मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मेरा परिवार, अक्सर लड़कियों की मुसीबत ये होती है कि वो परिवार उनका साथ नहीं खड़ा रहता। किसी ने एक उंगली उठाई तो परिवार का कोई सदस्य लड़की की गर्दन दबोच देता है, क्योंकि इज्जत के सवाल वहां पे आ जाते हैं, ऑनर किलिंग जिसको कहते हैं। ऑनर किलिंग नहीं हुई, लेकिन ये सवाल कि वो तुम थी, तुम्हें पकड़ा था, अब आप किसको जवाब दें कि मैं वो नहीं थी, और अगर होती भी तो सबको एक झूठी बात पर आप किसको।
तो ये चीज़ें मुझे लगातार मेरे साथ साथ रहीं। और लड़कियां आज मैं देखती हूँ टेक्नोलॉजी ने बहुत एम्पावर्ड किया है औरतों को, लड़कियों को। लेकिन अभी बाल ठाकरे के मसले पर जिस तरह से दो लड़कियों की जान पे बनाई, या MMS बना दिए जाते हैं, क्लिपिंग्स बना दी जाती हैं, उन्हें पोर्न साइट्स पे डाल दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो नई टेक्नोलॉजी है और नई मुसीबतें हैं जो साथ साथ चलती आती हैं। तो कहानी का यही है कि कहानी शायद उसकी जो आधारशिला होती है, बीज जो होता है, वो यहीं से बड़ा मेरी जिंदगी में। और मैंने लिखना और इस और मैंने इस औरत जीवन पर, महिला जीवन पर मेरी मैक्सिमम कहानियां इस पर है, महिलाओं पर है। और नेचर मुझे बहुत आकर्षित करती है। आप जो है आज सारे सोलर सिस्टम में एक कोई लाइफ को तलाश कर रहे हैं, मार्स पे आप एक वायरस खोज रहे हैं, मंगल पे, चांद पे कहां जीवन के निशान मिल सकते हैं आप वो खोज रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ आप जानवरों को कैसे ट्रीट करते हैं, आपने नदियों का क्या किया, पेड़ों का क्या किया, एनवायरमेंट के जो सारे इश्यूज हैं, या कि मनुष्य से इतर जो लाइफ है, मनुष्य से इतर जो जिंदगी है, उसके बारे में जरा भी परवाह नहीं है। एनवायरमेंट के सारे इश्यूज शायद ऐसे आपकी है। सैकड़ों कहानियां हैं, पर कोई ऐसी कहानियां जो आपको बहुत प्रिय हो या बहुत चर्चित रही हो, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? गैंग रेप का भी इशू हुआ, मैंने 90 के दशक में एक कहानी लिखी थी, कमीज पहन रहा है जैक द रिपर, और वो उन स्त्रियों के बारे में है। मैं जब काम करने निकली तो मैं बहुत बड़े संस्थान में काम करती हूँ, लेकिन वहाँ जब मैं आई नौकरी करने तो सिर्फ चार लड़कियाँ थी। तो उन चार लड़कियों के लोकल गार्जियंस कैसे होते हैं, उनकी फैमिली की मॉरल पुलिसिंग हो न हो, उनके आसपास के लोग उनके साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, कि आप चाय पी रहे हैं तो चाय क्यों पी रहे थे, आप किसी के साथ खड़े हैं तो क्यों खड़े थे, आप उसके साथ जा रहे थे तो क्यों जा रहे थे, आपने ये लिखा तो क्यों लिखा, आपने प्रेम के बारे में लिखा, ये आपका ही प्रेम था, आपने ही प्रेम किया था। तो इस तरह ये बेसिकली आंखों में छिपी हुई जो हिंसा होती है, भाषा में छिपी हुई जो हिंसा होती है, ये कहानी उस पर थी और बलात्कार के इश्यूज को उठाती थी। बहुत अच्छा क्षमा जी। और अब मैं मालचंद तिवारी जी से कहूंगी, जो बीकानेर से आए हैं और राजस्थान के जाने माने कहानीकार हैं, कि वो अपनी कथा यात्रा साझी करें और अपनी कहानियों के बारे में बताएं। मुझे जरा भी ऐसा नहीं कोई आवाज था कि मैं लेखक बनूंगा। अलबत्ता युवावस्था में पश्चिम बंगाल में मेरी बहन रहती थी और पहली बार उनके घरेलू लाइब्रेरी में मैंने सबसे पहला लेखक जो पढ़ा वो शरद चंद्र था। और अभी जब क्षमा जी अपना एक प्रसंग बता रही थी कि एक क्षमा नाम की लड़की पकड़ी गई, क्षमा पकड़ी गई और क्षमा से पूछा जा रहा था, तो मुझे शरद चंद्र का एक चरित्र याद आ रहा था, स्त्री चरित्र। उससे नायक पूछता है कि तुम इतनी झूठी बदनामी सहन कैसे कर लेती हो। तो संवाद लिखने में शरद चंद्र के से बड़ा कोई लेखक मुझे नहीं लगता। तो नायिका उत्तर देती है, ब्यूटीफुल उत्तर, वो कहती है झूठी है इसीलिए तो सहन कर लेती है। उस लेखक से मेरा रिश्ता हुआ। पहली बार मैंने उनका चरित्रहीन उपन्यास पढ़ा और बाद में दूसरी किताबें भी पढ़ी। आपकी क्या उम्र रही होगी तब? उस समय मेरी उम्र रही होगी, इमरजेंसी की आसपास की बात है, तो मैं 18-19 साल का रहा हूँगा। और मैंने बाद में बहुत लिखा है, शरद चंद्र पे लिखा भी है, मैंने एक स्त्री का मनुष्य तो एक आलेख लिखा था, उसमें वो किरणमयी जो है वो आज भी इस उम्र में भी मुझे परेशान करती है, जो चरित्रहीन में दिवाकर के साथ भागती है और बाद में वो पत्नीव्रता हो जाती है, वो स्त्री मुझे आज भी परेशान करती है कि दिवाकर, मैं दिवाकर होकर सोचता हूँ। तो इस तरह से पाठक के रूप में मेरा पहला रिश्ता उनसे, कहानियों से और उपन्यासों से हुआ। और मैं नहीं सोचता था कि मैं लेखक बनूंगा बिल्कुल। एक कल हमारे एक सत्र में एक साइंटिस्ट जो हैं, जो लेखक हैं, गणितज्ञ सूरी साहब, उन्होंने कहा मैं एक्सीडेंटल लेखक हूँ। तो उतना एक्सीडेंटल तो नहीं, लेकिन मैं साहित्यिक लोगों के बीच में डूंगरगढ़ चला गया और वहाँ एक राजस्थानी की पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक श्याम महर्षि थे, उन्होंने कहा कि तुम रोज आके बैठते हो तो कुछ लिखो। तो मैंने ऐसे ही दो लघु कथाएं लिखी थी और वो इतनी क्लिक कर गई कि लोगों ने बड़ा जबरदस्त, उनको दो छोटी छोटी कहानियों में भी ये हुआ।
उसके बाद मैं लिखने लग गया, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल बड़ी लंबी हो जाती है, तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में कहानी छपी तो एक तरह से हिंदी में उस जमाने में एस्टेब्लिश हो जाता था, फिर उसमें मेरा एक लंबी सीरियल भी छपा जालियां और झोरों के, फिर हंस आ गई तो राजेंद्र जी ने मुझे खूब छापा, बाड़े का कुत्ता छपी, काफ़ी चर्चित हुई, तो इस तरह कहानीकार तो हो गया, लेकिन होने के बाद का संकट जो है वो बहुत बड़ा होता है। कैसा संकट है वो? कहानीकार होने के बाद का संकट बहुत बड़ा होता है, वो ये होता है कि कभी कभी आपका मन उचटता है इस गोरख धंधे से, और बीच में ऐसे अंतराल आते हैं कि आपको सुहाता नहीं है काम, लेकिन फिर वही सूरदास वाली बात है, कंबल नहीं छोड़ती। नहीं, पर क्यों नहीं सुहाता? इसलिए नहीं सुहाता कि दूसरे मरहले लेखक की जिंदगी में होते हैं, वो उसको विमुख करते हैं, और ये संकट का रिश्ता है जब उसको ऐसा लगता है कि मेरा एकमात्र शेल्टर राइटिंग के अलावा कुछ है नहीं, जब उन संकटों से भी घिरता है तो उसको ये लगता है कि मैं तो कहीं दुबक सकता हूं तो अपने लिखने में ही जाके दुबक सकता हूं, तो उस लिखने के दुबकने दुबकने में मैं निरंतर कहानियां लिखता चला गया, और ये एक संकट के रिश्ते के रात साथ आज भी जैसा तैसा कहानियां मैं लिखता हूं। उन तिवारी जी की बात शायद मैं इस तरह से कहूंगी कि निरुमा जी, आपने भी कभी कहा था कि अक्सर मीडियोकर राइटर्स को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसा तो कई बार आप उस तरह के दन फन में शामिल नहीं होते हैं, अपनी किताब रिव्यू छपा कि नहीं छपा, ये हुआ कि नहीं हुआ, कहानी की चर्चा हुई कि नहीं हुई, और वो भारी संकटों का सामना एक लेखक को करना पड़ता है। पर मुझे लगता है वो तो बाद की बात है, रिव्यू छपे ना छपे, चर्चा हो ना हो, जिसने लिखना है। नहीं नहीं, मैं एक राइटर होने के नाते मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि चर्चा जहाँ होती है, मैं चर्चा की बात कर रही हूँ कि चर्चा इस तरह से होती है, मैनेज्ड है आजकल हर कुछ, कमर्शियल है। फिर सबसे बड़ी बात क्षमा जी ये है कि आप जब कह रही थी कि जैसे जिन उन लेखकों की किस्मत की खूब तारीफ करता हूँ जिनको बड़ी सहजता से कुछ स्टॉक सिचुएशंस होती है कि ये मुझे इस पे लिखना है, ये मुझे सब्जेक्ट बड़ा हॉन्ट कर रहा है, और मुझे स्त्री विमर्श पे एक कहानी लिखनी है, और मुझे किसी दूसरे विषय पर बच्चों पर एक कहानी लिखनी है, वगैरह वगैरह। हालांकि मुझ पर राजेंद्र यादव ने एक बार इल्जाम लगाया था कि तुम्हारा तो मामला देवर फिल्म बनती थी जानवरों पर, कि या तो तुम्हारी कहानी के केंद्र में बच्चा होता है, या तुम कभी कुत्ता पकड़ लाते हो, कोई जानवर ले आते हो, तो तुम्हारे पास तो सक्सेस का फार्मूला वही है जो देवर फिल्म वालों के पास था, हाथी मेरे साथी वगैरह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप शरद चंद्र से आपका परिचय हुआ, तो शरद चंद्र की जो एक रोमांटिक विजन थी उसने आपके कहानियों पर कोई छाप डाली? सीधे सीधे तो कोई छाप नहीं आई, लेकिन जब भी अब भी मुझे लगता है कि जो मेरी सेंसिबिलिटी है जो खास तरह से, और स्त्रियों के प्रति एक जो एक आदर का भाव मेरे मन में बन गया, जैसे शरद चंद्र की वजह से ही नहीं पूरे बंगाल की वजह से बना, जब मैं लड़कपन में पंजाब बंगाल की बसों में यात्रा करता था तो मुझे ये बड़ा इंस्पायरिंग लगता था कि कोई भी स्त्री खड़ी यात्रा नहीं करती थी, जैसे ही वो बस में आती थी सीट दे दी जाती, पुरुष उसके लिए सीट छोड़ देते थे। मुझे लगता था कि ये संस्कार बंगाल को किसी दंड या किसी कानून ने नहीं दिया, ये शरद चंद्र जैसे लेखकों ने दिया, या रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लेखकों ने, जो आज भी प्रिवेल करता है। ये संस्कार दिल्ली में आज भी नहीं है, तो आज भी लोग कहते हैं कि सीट मांगनी है तो मेट्रो में टैक्सी में आओ, सीट क्यों मांग रही हो, सीट छोड़ जाते हैं। तो मालचंद जी, मैंने इनसे भी ये प्रश्न किया था क्योंकि समय कम है, हम तो चाहते थे पूरी कहानियां सुने, पर कोई एक कहानी जो चर्चित रही हो या जो आपके मन को बहुत भाई हो उसके बारे में आप चर्चा करेंगे? 100-150 कहानियां लिखी है, इसमें से मुश्किल तो है थोड़ा, लेकिन चूंकि एक लैंडमार्क की तरह एक कहानी है, बाड़े का कुत्ता। अच्छा, मेरी कुत्ता है इसमें। हाँ, कुत्ता है इसमें। उसकी मैं आपको कहानी की कहानी बता देता हूँ। मैं नहीं जानता था कि इस सब्जेक्ट पे कहानी लिखूंगा। मेरे एक मित्र थे जो मेरे घर आके रुके हुए थे, और वो उनकी थोड़ा डिप्रेशन का दौर था, और उनके घर से बुलावे आ रहे थे, और मैं उनको कह रहा था कि आपके घर से बुलावे आ रहे हैं, आप लौट के चले जाइए। वो बड़े इंडिपेंडेंट ढंग से मेरे घर में रहते थे, मेरे बच्चों से बात नहीं करना, रेडियो बजाते रहना, खाने के वक्त खाना खा लेना, बड़े सीधे नॉन वायलेंट पर्सन, लेकिन उनके पिता बुलाते थे, उनके घर से संदेश आते थे। तो एक दिन रात को मैंने उनको समझाने की गरज से कहा कि देखिए, मेरे घर के सामने जो एक बाड़ा है ना, उस बाड़े में बच्चों ने एक पिल्ले को डाल दिया, और वो पिल्ला वहीं का वहीं पल गया, अब वो बड़ा कुत्ता बन गया है,
लेकिन बाड़ा इतना रास आ गया है उसे कि लाख कोशिशें करने पर भी बाड़े से नहीं निकलता। तो क्या इस तरह किसी इंसान का एक बाड़े में रहना ठीक है, चाहे वो अपने मन का ही बाड़ा क्यों नहीं हो? तो उन्होंने तो मुझे जवाब दिया कि मैं वो कुत्ता नहीं हूं, मैं दूसरी तरह का कुत्ता हूं, मैं सारी दुनिया नाप के अपनी मर्जी से अपने बाड़े में आया हूं, मुझे किसी बच्चे ने नहीं डाला। उनका तो मैं क्या कर सकता था, लेकिन ये चीज मुझे ये व्यथा इतनी सताने लगी कि इस कुत्ते को कैसे बाहर निकालूं। लिटरली निकालने का मतलब नहीं है, ये जो मेरी चेतना में फांस गड़ गई है कि किस तरह है मनुष्य एक बाड़े में। फिर इसकी नियति को मैंने दूर दूर तक देखा, तीसरी दुनिया के मुल्कों से जोड़ के देखा, कई मानवीय स्तरों पर जो हम बाड़े बना लेते हैं उनके साथ जोड़ के देखा। तो फिर मैं लाचार था कि किस तरह इस ग्रंथि से मुक्ति पाऊं। तो फिर मैंने घर के एक बाड़े का कुत्ता कहानी लिखी और उसमें उस कुत्ते को अंत में मैंने आजाद करवाया और मुझे राहत मिली। ये मेरा तरीका है। बहुत अच्छा। फहमीदा जी, बतौर शायरा तो हम बहुत से लोग आपसे वाकिफ हैं, पर मैं ये जानना चाहूंगी कि कहानी का दौर कैसे चला और कब से आप लिख रही हैं। एक मुझे कहानी की बात चल रही थी तो मुझे आज इसमें चुगताई की याद आ रही थी, क्षमा जब बातें कर रही थी, और इसमें चुगताई कहती थी कि जो बातें मुझे 70 साल पहले समझ आ गई थी आजकल की लड़कियों को क्यों नहीं आती, वो क्यों दुख सहती हैं। बिल्कुल, शीला भाटिया ने कहा था ना कि मेरी दादी कोई पुरानी बातें, शीला भाटिया बहुत बड़ी थिएटर की आर्टिस्ट थी, उन्होंने कहा कि मेरी दादी कोई बात कहती थी पुरानी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज की लड़की अगर मेरी दादी के जूते में पांव डालती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एंड फहमीदा जी का एक मुझे छोटी सी मुलाकात याद है, फहमीदा रियाज दिल्ली अमृता जी के घर आई हुई थी और मैं चंडीगढ़ से अमृता प्रीतम को मिलने आई हुई थी। तो उन दिनों में शायद सिमोन डिबुवा की डेथ हुई थी, तो मैंने नया नया मैंडरिन्स नॉवल पढ़ा था, तो मैंडरिन नॉवल पे चर्चा शुरू हो गई। तो फहमीदा जी कहने लगी कि मैं कॉलेज के दिनों में मेरा एक इश्क था और वो नॉवल पढ़ के मैं क्योर हो गई थी। और मुझे ये लगा कि वही नॉवल पढ़ के मैं भी क्योर हो गई थी, कि अगर इश्क में ये हाल होता है तो ना ही हो तो बेहतर है। हाँ जी फहमीदा जी। अच्छा जी, मेरा ये देखिए, मैं बेसिकली तो आई एम नोन एज अ पोएट, बट आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज ऑल्सो, एंड एक्चुअली लेटली आई हैव रिटन अ लॉट मोर शॉर्ट स्टोरीज ड्यूरिंग द पास्ट से 7 or 8 years, and of course novels also. See, my style is, and it has been from the beginning, that I actually write what actually happens, right? Sometimes I wonder if I have any imagination at all, because I'm always writing what actually happens, right? For you, I want to read out a little piece that I wrote in English, and I also write in English. I started writing in English when I was living in exile in India, right? Why? Because most of my friends could not read Urdu, right? The friends that I had here, I spent about 7 years during Zia's time in India, and I was based at Delhi, and most of my very dear friends could not read Urdu script, and that led me to start writing in English. So it began here, but then of course I switched back to Urdu when I went back to Pakistan. But this is my style, this is a new genre, which is that this is what actually happened. Even the names have not changed, it actually happened. And I've written it like a story. The background of this is, it's called After Tum Bilkul Hum Jaise. See, some years ago I wrote a poem, Tum Bilkul Hum Jaise Nikle. You remember that. It created such a hangama, which was beyond my imagination. I had written it in a lighter vein, and I thought it would be taken like that. Religious fundamentalism, India mein bhi aa. Yes, that ki ye to aap to hum jaise nikle. So this piece is called Tum Bilkul Hum Jaise. There is a very well-known writer, Vibhuti Narayan Roy.
And this is about what happened. So it is after tum bilkul hum jaise. It begins like this. I wonder where is Vibhuti now, who was going to cremate me on the banks of Jamuna. That is Vibhuti Narayan Rai, the celebrated author of Sheher Mein Curfew, describing a few days of communal violence in an Indian city that won him the love and admiration of Indian Muslims and the wrath of the Hindutva fanatics. The year I met him, he was looking after the participants of the Sark Literary Festival in Delhi. I was delighted to see him, as I had read the book and wanted to express the admiration his Pakistani readers felt for him. The Urdu version of his book had been published in Karachi. I found him to be a pleasant, perceptive, and amusing person with a strong sense of humor. He was from Allahabad with a distinct, charming Purbi accent. We became friends within minutes. He offered me lunch at his home and said he has to pick up some papers from his office. But I was rather panicked. Let's go, I said. But I was rather panic-struck at the huge, imposing building that was his place of work and its signboard announcing in large, ominous letters the Indian Police Headquarters, or words to that effect. It turned out that Vibhuti was a big shot in the Indian police force. I grew nervous and said to him, let us not go to this place. As it was, Pakistani authorities called me an Indian agent. As it was, Pakistani authorities called me an Indian agent. I did not want to visit the Indian police headquarters. Vibhuti laughed loudly and merrily. Dar gaye? Are you afraid? We are not turning you in. Not yet, he said. And leaving me in his four-wheeler, he rushed in and brought his papers. At his home, after lunch with his family, we sat and talked, and I read out the poem, Tum Bilkul, that I intended to recite at the Jawaharlal Nehru University the next day. Vibhuti laughed loudly and insisted that it was just the poem that needed to be read. Promise me you would not change your mind. What happened in that mushaira is now history. But where was Vibhuti? After this incident, for 2 days I was hiding in the house of Mishraji, Mahendra Kumar Mishra, a friend from the days of my exile in India. As I was told that the Sangh Parivar was quite incensed and could attack me. Upon ringing his home, I was informed by his wife that he was suddenly called to Jaipur on the day of the Mushaira. When he returned on the third day, he already knew everything, as it was in every Indian newspaper. For those past 2 days, I was very confused and depressed. I asked him, and where did you go away after extracting a promise from me that I would read nothing other than that poem? He had been irritated for not being able to be present in the Mushaira and had been raging about it for the past 2 days. What could he do now except console me? So he scratched his head and said, Das bara naam bataiye, abhi sabko 306 mein andar karta hoon. Give me 10 to 12 names, I will turn them in under 312. Bas rehne dijiye, I said. Your being a police wala was of no use to me. Aji dekhti rahiye, he said. Sab ki aankhe maankhe nikalwata hoon. You just watch, I will gouge out the eyes of them all. The Jabalpur incident, where the police had torn out the eyes of the prisoners, was still fresh in our memory, and I screamed in horror. Then we all burst out laughing. My tension melted away. I said to him, and now I want to entrust an important task to you. Can you arrange my cremation on the riverbank when I die? How could that be? He said, you are a Muslim. I would leave a written statement. Alhamdulillah, I am a Muslim. But I think cremation is a quicker way to dispose of my remains. On the banks of the holy Ganga, he said delightedly, that would be my hometown.
Never, I said, I do not trust you Purbiyas. I was born in Meerut, the Jatland of India. The war of independence began in Meerut in 1857. It would be only and only Jamna for me. Even the bank of River Sindh was fine, but no one will do it for me in Pakistan. He looked at me with a smile in his eyes. Then he said seriously, you will have to come here to die. No one will send your body here from Pakistan. He was a policia, familiar with murders, corpses, and bodies. That was reassuring. I will, I said. I can even make payment to you in Indian currency. The organizers of the Mushaira have paid me a few thousand rupees. I began to open my handbag. What's that now? He admonished me. Can't I do even that much for a Pakistani poet? What are friends for, after all? He looked at me, then mused aloud. But for now, should I take her into protective custody, Mishraji? Some miscreants may be out to harm her. Before Mishraji could say anything, Sushila, his wife, interjected promptly. You are not moving her anywhere, Vibhuti. Her flight for Karachi is booked after 2 days. Until then, she would remain in our house. She's safer here than anywhere else. She's not even stepping out till then. Your house is the least safe even for your family. How can she not step out of the house? Said Vibhuti. She will have to personally go to PIO office and confirm her ticket. Otherwise, they are going to sell it for twice the money to some other passenger. I have had too many Pakistanis returning home, coming to me and complaining of this practice. Not her ticket, not after all that has happened at JNU, Sushila said confidently. Her confidence was misplaced. On Delhi airport, I had to run from pillar to post, beg and tearfully beseech for a seat in the plane, as my seat had been sold to someone else because of its non-confirmation, notwithstanding all that happened, as Sushila put it. Well, I said to Vibhuti after tea, so you will have me cremated. This is a Rajput's vachan. He gave me a bright Purabiya smile. I will cremate you. Then he added, and I am a Brahman, not a Rajput. Reassured, I began to imagine the scene, Vibhuti going round the pyre with a blazing torch in his hand. There is a strong dramatic element in the Indian funeral rites, I said thoughtfully. Vibhuti grinned. Your last rites by the hand of a Brahman, ikdam siddhi swarg me jaogi, you will go straight to heaven. I laughed, but thanked him nevertheless. 2 days later, I returned to Karachi. Since then, I receive messages from Vibhuti every now and then. When are you coming? I have everything ready. The wood, the oil, complete with agar and chandan. Every time I message him back, just give me a little more time. I'm writing something. I may not have the time later. I may be posted elsewhere, far away from Jamna. He messages back. Going on for several years now. Well, Vibhuti Narayan Rai of Allahabad, of the purest Swan caste of Brahmins, I'm planning to come to Delhi next year. Is the agar chandan ready, or will you give me some more time? It's a beautiful story. बहुत ही खूबसूरत कहानी. एक प्रश्न जो मन में आई है, आपने विभूति को सुनाई है कहानी या उन्होंने पढ़ी है? नहीं नहीं, I could not contact you. Okay. बीच में ये संशय हो रहा था कि क्या जानकर तो नहीं उन्होंने आपसे ये कविता पढ़वाई. अच्छा, इस कहानी इसमें एक और है. कहानीकार के यहाँ अगर भागलपुर जबलपुर हो जाए तो भी कोई खास बुरा मानने की बात नहीं है. इट वॉज भागलपुर. भागलपुर था. भागलपुर. वेयर द आइज वर प्रिजनर्स. तो इस सेशन का नई कहानी नाम था, तो मैंने कहा नई कहानी की बात करने के लिए सब से जो यंगेस्ट स्टोरी राइटर हैं, दुष्यंत, जो जयपुर के ही हैं और जो अवार्ड्स ले चुके हैं अपनी कहानियों के लिए, मैं चाहूंगी पहले अपनी कहानी पर बात करें और फिर कुछ
पढ़ के सुनाना चाहे छोटा तो बहुत अच्छा रहे। नमस्कार दोस्तों, ये होम ग्राउंड पे खेलने जैसा है और आवाज आ रही है अब तक? हाँ आ रही है। तो पहले जहाँ से बात क्षमा जी ने शुरू की और मार्टिन जी ने भी शुरू की, मैं उसी बात से बात शुरू करूँगा कि कहानी लिखना शुरू हुआ बहुत बाद में, पर कहानी के बीज जो पड़े होंगे वो तकरीबन जिसे कहना चाहिए कि 86, 87 या 88 के आसपास की बात रही होगी। मेरा बचपन उत्तरी राजस्थान की घग्गर नदी के आसपास गुजरा, जो पाकिस्तान के बहुत करीब का इलाका है। तो वहाँ पिता स्कूल में मास्टर थे, हेडमास्टर रहे, तो उन्होंने बिज्जी की कहानियाँ पढ़ के सुनाई बचपन में। और मतलब मुझे लगता है कि शायद और कोई कहानियाँ वो सुना नहीं सकते थे, तो बता नहीं फुलवाड़ी की कहानियाँ उन्होंने पढ़ पढ़ के हमें सुनाई। और उसके बाद कहानी से रिश्ता टूट गया और बीच में ऐसा वक्फा आया कि पोएटिक एक्सप्रेशंस को अपनी ज़िंदगी में मैंने जगह दी। फिर वापस लौट के आया, मुझे लगा कि शायद मेरा शेल्टर, मेरा शरण कहानियाँ हैं। और ज़िंदगी जिन मरहलों से गुजर रही थी और जिस तरह के हादसे और खुशियाँ मिल रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद को मैं कहानियों में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो इसी यात्रा में 8 कहानियाँ छपी हैं अब तक, 8 संपादकों ने छापी हैं। इस लाइन के जो मायने निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, किसी भी संपादक ने 2 नहीं छापी या मैंने दी नहीं किसी संपादक को 2। और वही 15 कहानियाँ कुल मिला के एक संग्रह में आ रही हैं जो पेंगुइन छाप रहा है अभी, जुलाई की एक रात शीर्षक से आ रही हैं। और जो दूसरी बात जो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ अब तक की कहानी की यात्रा में, वो ये है कि बिज्जी जो संवेदना में जुड़े रहे और उसके बाद हेनरी मोपांसा या जिस भी कहानीकार को पढ़ा ये जानते हुए कि ये क्लासिक राइटर है, वहाँ लगा कि वो कहानियाँ सब सरल कहानियाँ हैं। और उन सरल कहानियों में कि कहानी किस्सा कोई ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और उस सिंपलिसिटी की, उस सरलता की तलाश या खोज मैं लगातार अपनी कहानियों में करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि कामयाब हो गया हूँ, मेरी कहानियाँ सरल ही हैं। मैं प्रयोगों की तरफ नहीं दौड़ा हूँ, प्रयोगों की तरफ दौड़ा हूँ, पर उन तमाम तजर्बों के बाद मैं यहीं तक पहुँचा हूँ। और आगे भी यही कहना चाहता हूँ कि और आसान तरीके से कह पाऊँ कि आठवीं क्लास पढ़ा हुआ कोई बालक भी उस कहानी को समझ ले और डॉक्टरेट किया हुआ बालक व्यक्ति भी उस कहानी को समझ ले, मुझे लगता है कि मेरी कहानी दोनों को बराबर संप्रेषणीय होनी चाहिए, कम्युनिकेबल होनी चाहिए। माइक। हाँ, तो वो संप्रेषणीयता मेरी इष्टतम संप्रेषणीयता है कि बिना ये जाने हुए कि कौन कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेरी कहानी उस तक पहुँच जाए। और यही मुझे लगता है कि एक बुनियादी तौर पे जो चीज़ मुझे लगती है कि संवेदना के साथ प्रामाणिकता और कहन में सादगी, सरलता, बस इतनी सी बात मैं कहानी में कह लूँ तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक सी कहानी हो सकता है। निरूपमा जी, दुष्यंत जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, इस तरह सरल लिखना शायद ज़्यादा मुश्किल है, एक सरलता तक पहुँचना। मुश्किल बात कह देना फिर आसान है, पर इतना सरल बनाना कि एक बच्चा भी समझ सकता है। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उस पर आप कितना काम करते हैं कहानी पर? मुझे लगता है कि इसको इस रूप में कहें कि सरल लिखना सरल नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कि कठिन लिखना कठिन नहीं है। कठिन लिखना बहुत आसान है, आप जितना पढ़ेंगे पढ़ते चले जाएंगे कठिनता का रास्ता बहुत आसान होता चला जाएगा, और जितना दुनिया को देखते जाएंगे मुझे लगता है सरलता से लिखना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। ये जो 8 कहानियां आपकी छपी, उनमें से किसी एक कहानी के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं एक कहानी जो मुझे भी पसंद रही है और जिसपे मुझे लगता है कि रेस्पॉन्सेज सबसे ज़्यादा मिले, पाखी में कहानी मेरी छपी जिसका शीर्षक था यह भी समय है। वो कहानी दरअसल मंदी के बाद, जो वैश्विक मंदी आई उसके बाद, एक युवा की ज़िंदगी में जो सपने देखता है, एक अमेरिकन कंपनी में काम करता है और उसके सपने किस तरह बिखरते हैं, अमेरिका जाने के ख्वाब टूट जाते हैं, उसकी प्रेमिका और उसका भाई, उनके बीच
की जो स्थितियां हैं वो एक मतलब एक बात ये कि दुनिया भर की आर्थिक स्थितियों के बीच में एक प्रेम का संबंध है, तो उस प्रेम संबंध और आसपास का परिदृश्य कैसे प्रभावित होता है वो उसी के आसपास एक ताने बुने की बुनी हुई कहानी थी। नंजी यहाँ बैठे हैं, नंजी जब उन्होंने पढ़ी नंद भारद्वाज जी ने तो बोले कि कहानी अच्छी है दुष्यंत। मैंने कहा मुझे लगता है कि पता नहीं कहानी है भी कि नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये तो समय तय करेगा कि कहानी है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं कहानी को वैसे एंड भी यहीं करता हूँ कि कहानी हमारे समय की कहानी है, हो सकता है आप इसे कहानी ना माने, और ये वो समय है जो सबसे छुप के रोने का समय है। दरअसल जिस समय में हम जी रहे हैं उस समय में जीवन स्थितियाँ ऐसी विकट हैं कि आप चुपके से रो सकते हैं, पब्लिकली रो भी नहीं सकते। बहुत बहुत अच्छे दुष्यंत। आपने वेस्ट के कहानीकारों का जिक्र किया, तो यहाँ हिंदुस्तान में हिंदी में आपको किन लेखकों ने प्रभावित किया या जिनकी कहानियाँ अच्छी लगी? मेरा अध्ययन इस मामले मुझे कहना चाहिए कि थोड़ा विविध रहा है कि मैं इफ्रात में अनुवाद पढ़ता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हिंदी के अगर कहना ही पड़े तो मुझे एक निर्मल वर्मा और फिर उसके बाद उदय प्रकाश दो सबसे मेरे प्रिय कथाकारों में शामिल है। वो तो मास्टर्स हैं। हाँ मास्टर्स बहुत अच्छे। और मैं जी हाँ नहीं कहिए एक टुकड़ा शायद एक कहानी का मैं पढ़ना चाहूंगा, रुक्मा जी ने कहा है तो मैं उसी संग्रह से एक कहानी का टुकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा जो कहानी कहीं छपी नहीं है उस संग्रह में आएगी, और उस कहानी में अपने आप में तीन टुकड़े हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं, और कहानी का शीर्षक है ताला चाबी दरवाजा और संदूक। तो उसका एक खंड है जो मैं आपके सामने बांटना चाहूंगा कि दादी रामकोरी एक चाबी को अपने छींट के घाघरे के नाड़े से बांध कर रखती थी। दादी छींट का घाघरा ही पहनती थी, नहाते समय घाघरा बदलता तो चाबी को दूसरा नाड़ा मिलना तय होता था। घर के सारे छोरों की निगाह उस चाबी पर रहती थी, किसी ने नहीं देखा कि दादी ने दिन या रात के किसी पहर उस चाबी का किसी ताले को खोलने में इस्तेमाल किया हो। एक बार दादा हरदयाल ने दादी से इस चाबी के लिए लड़ाई भी कर ली थी कि बता रांड किसकी है, कौन से ताले की है। पूरे 9 दिन दोनों में अनबोला रहा था। कार्तिक का उतरता हुआ महीना था, जाड़ा अपने चरम पर था, उस रात काली पीली आंधी आई थी। उस वक्त दादी रामकोरी और दादा हरदयाल उस पुरानी साड़ में बट्ठड़ में खीरे डालकर तप रहे थे कि रात कट जाए। दादी को दौरा पड़ा और दादी के प्राण निसर गए। दादा ने दादी के नाड़े से बंधी चाबी खोली और सारी अलमारियों और संदूकों में लगाकर देखी, पिछली रबी की फसल के गेहूं की बोरियों की ढेरियों के बगल में रखी सबसे छोटी संदूक में चाबी लग गई। ताला जंग खा गया था, चाबी के साथ 2-4 बार हिलाया तो दरवाजा खुल गया। चाबी में बस एक किताब थी, गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता, और उसके बीच में खत। खत पीला पड़ गया था, खत खोलते हुए दादा के हाथ कांप रहे थे कि कहीं फट ना जाए। खत हिंदी में लिखा था, वर्तनी की गलतियां थी जो बता रही थीं कि लिखने वाले को ज़्यादा हिंदी नहीं आती। खत में लिखा था, मेरी हम नफस रामकोरी, पूरा परिवार पाकिस्तान जा रहा है, मुझे भी जाना ही पड़ेगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही और कभी लौटना हुआ तो ज़रूर आकर मिलूँगा, तुम शादी कर लेना, तुम्हारा रसूल। दादा ने खत को बहुत डरते हुए उसी तरह किताब में रख दिया, किताब उसी छोटी सी संदूक में रख दी और संदूक को ताला लगा दिया, चाबी अपनी धोती की गांठ में रख ली। उन्होंने बेटों को आवाज दी, पूरा परिवार शौक में डूब गया। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। निरुपमा जी, आप जो सादगी की बात कर रही थी वो इस टेक्स्ट से साबित हो गई है कि जिसे धोखेबाज सादगी कहते हैं वो किस तरह की होती है, वो इस टेक्स्ट में शामिल हो गई है। इन्होंने विजयदान देथा जी का जिक्र किया तो मैं थोड़ी सी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आजकल उनकी फुलवाड़ियों के अनुवाद कर रहा हूँ, एक पूरा प्रोजेक्ट ये, मैं उनके पास ही रहता हूँ। विजयदान देथा बिज्जी,
मैं उनके अहर्निश उनके सानिध्य में रहता हूँ और फुलवाड़ियों के अनुवाद करता हूँ, तो उन्होंने पिछले दिनों एक बड़ी खूबसूरत बात टप्पे में कही, वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कितनी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कहानी के बारे में, एक उनकी कहानी है झोंपड़ी का ज्ञान, झोंपड़ी का ज्ञान, जिसमें वो राजा भोज और उसका मंत्री जो है वो दोनों जाते हैं कि ज्ञान का स्थान कहाँ है। उसमें बहस ये है कि नॉलेज का बेस कहाँ है, तो दोनों कहते हैं राजा के महल में होता है और कहाँ होता है, दरबारों में होता है, रईसों के घरों में होता है, और ज्ञान कहाँ होता है। तो एक माली कहता है कि नहीं, वो ये बहस तो छोड़ो, आप मेरे खेत में आओ, जरा थोड़ा तो नेचर की खुशबू लो, फूलों को देखो, ये बातें छोड़ो। तो वो वहां जाते हैं तो फिर रास्ते में एक बुढ़िया मिल जाती है, उससे वो पूछते हैं कि ये उज्जैन का रास्ता भूल गए हैं, रास्ता कहाँ है। तो पूछती है तुम कौन हो, तो जो भी जवाब देते हैं उसके दो विकल्प बताती है बुढ़िया, कोई 20-25 जवाब वो कहते हैं कि हम ठग हैं, तो भी वो कहती है ठग तो वो है, हम कहते हैं कि हम तो नादान है, तो वो कहती है नादान तो वो तो है, ऐसे उनको निर्विकल्प कर देती है, एकदम मूर्ख साबित कर देती है। तो उसका जो अनुवाद मैंने किया था, उस अनुवाद पर उन्होंने एक टिप्पणी की और कहा कि बेटा ये कहानी के गद्य की कला जो है वो एक तरह से कड़ी मिला के जंजीर बनाने की कला है, और दूसरी तरह से समझो तो कि कसीदा काटना है। फिर उन्होंने कहा कसीदा काटना तो किसी कसीदा काटने वाले के पास बैठकर सीखा जा सकता है, लेकिन सुई पिरोनी आना जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर सुई पिरोनी नहीं आती तो दूसरे की पिरो कर दी हुई सुई से कोई कसीदा नहीं निकाल सकता। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मेरे ख्याल में कुछ अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं, सुनने वालों ने बहुत लुत्फ उठाया कहानियों का, बातों का, तो प्रश्न कोई है तो आप अपने लेखकों से पूछ सकते हैं। ये तो मामला लाजवाब हो गए हैं सब। फेमिना जी आप देखिए, मैं तो चूंकि देखिए मैं काफी बरस बाद आई हूँ और पाकिस्तान से, तो व्हाट आई वुड वांट टू शेयर विद यू वो ये कि चाहे कुछ भी दो देशों के राजनीतिक चलते रहें मगर अदब के लोग अपना काम करते रहते हैं। बहुत सारी इंडियन स्टोरीज और नॉवेल्स उर्दू में छपी हैं, इन्होंने बात की उदय प्रकाश की, हमें खुद जो जिस हमारे जैसे बहुत ज़्यादा पसंद है उदय प्रकाश, उनकी कहानियाँ वहाँ पर उर्दू में ट्रांसलेट होके छपी हैं, और उनकी नॉवल पीली छतरी वाली लड़की तो नॉवल की भी छपी है जो मेरे ही पब्लिशर ने छापी है। इसके साथ साथ विजय दांदेता साहब की जो है बहुत ही मकबूल हुई, वो बहुत पसंद की गई, वो छपी है। और इंडिया के जो राइटर्स हैं तो उनका मुसलसल पाकिस्तान में ट्रांसलेट होकर और वो छपते ही रहते हैं। इनका जैसे मैंने बताया विभूति नारायण राय की दोनों तबादला भी छपी है उनकी, और पाकिस्तान में उर्दू में अनुवाद होकर। मेरी यहाँ महाशविता देवी से मुलाकात हुई, उनकी नॉवेल्स जो हैं वो उर्दू में ट्रांसलेट होकर वहाँ छपी हैं, खुसूसन 784 की माँ जी वो वहाँ पर छाया हुई है, और वो मैंने पाकिस्तान में ही पढ़ी थी, और यही वजह थी कि मैंने अपनी जो एक नॉवल है मेरी गोदावरी, तो उसका यहाँ पर वो देवनागरी में भी लिपि में भी वो छपी है, और उसको मैंने महाशविता देवी के नाम ही डेडिकेट किया था। और ये कहानी जो थी वो मैंने इट वाज बेस्ड इन महाराष्ट्र, जो मेरी गोदावरी नॉवल है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं मुसलसल। और सच पूछे तो यही सबसे बड़ा ब्रिज है जो कि हम लोगों के दिलों के बीच में है। नमस्कार, मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक कहानीकार के रूप में कई विषयों से बंधे हुए होते हैं, कई विषयों के सामने हम आते हैं, तो एक ही बार में कई बातें हमारे मन पर छाप डालती हैं और मन अकुलाहट में होता है, तो ऐसे में एक कहानी के जरिए वो सारी बातें कहना, क्या आप ऐसी स्थिति फेस करते हैं कि जब इतने सारे सवाल और इतनी सारी चीज़ें और विषय आपके मन में चल रहे हैं कि आपको लगता है कि किस तरह से इस चीज़ को बयां किया जाए? आप देंगे?
देखिए इसको, ये जो आपका सवाल है इसको कहानी तक महदूद मत रखिए, ये पूरी राइटिंग पर आ सकता है। पोइट के बारे में भी ये समस्या हो सकती है कि आखिर इतने विविध विषयों से भरे हुए संसार में से क्या एक चीज है जो जिसको वो लिखे या जिसकी वजह से लिखे। तो इसके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध बात है कि दो तरह के लेखक होते हैं, एक तो वो होते हैं कि जिनके पास अपना एक एजेंडा है कि मुझे कुछ कहना है तो वो लिखता है, दूसरे वो लेखक होते हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं होता, वो एक तरह से। इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण कविता की दुनिया में से है, ओल्डेन नाम का एक कवि हुआ है बहुत बड़ा, तो उसके पास स्टूडेंट्स जाते थे पोइट्री वगैरह सीखने के लिए, तो वो कहते थे, ज्यादातर ये कहते थे कि वो कहता कविता क्यों लिखना चाहते हो, तो जवाब आता था कि मेरे पास मुझे कुछ कहना है इसलिए मैं कविता लिखना चाहता हूँ। तो कहता था तुम यार चले जाओ कोई रिपोर्टिंग करो, कुछ और काम करो, किसी और तरह से कह लो, तुम कवि वो भी नहीं बन सकते। मुश्किल से कोई एक आध आता था जो कहता था कि मुझे कुछ नहीं कहना पर कुछ है जो मेरे कानों के पास मक्खियों की तरह भिनभिनाता है, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ, मैं इसको अपनी किसी तरह से कहानी या कविता में भाषा में कहना चाहता हूँ। तो उसने कहा तू आ जा, तू कविता लिखेगा। एग्जैक्टली आप इतने विषय पर उसमें से एक क्या है जो आपकी नींद उड़ा दे, आपको रूह के स्तर पर इतना व्याकुल कर दे कि आपको लगे कि अब इसका इसके बिना कोई चारा नहीं है। जैसे मैंने बाड़े का कुत्ता का उदाहरण दिया, मैंने दूसरे बड़े लेखकों के उदाहरण किस तरह से, हमारे सामने फहमीदा जी बैठी है, हम लड़कपन में सपना देखते थे कि फहमीदा रियाज को देखेंगे, आज इनके पास बैठे हैं इस साहित्य की वजह से। तो क्या चीज है वो कि आपको बेचैन करे, इतना इस कदर कर दे कि आप ये बात कविता पर भी लागू होती है और कहानी पर भी होती है, इसका कोई फार्मूला अगर हमें मिल गया तो जरूर आप लोगों को देंगे। दुष्यंत जी आपके लिए सवाल था कि हमने नई कहानी मूवमेंट हुआ था कमलेश्वर जी राजेंद्र यादव, और वो अपनी एक पॉलिटिकल और सोशल सेंसिबिलिटीज के साथ आया। आज के समय में हमारे पास कोई ऐसा, चाहे वो पोइट्री में हो जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट था वो नहीं है, या कहानी में भी अब कोई मूवमेंट उस हिसाब का नहीं। आपको क्या लगता है कि ऐसे मूवमेंट्स कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं जो आपका रीडर वर्ग है उसे, और ये मूवमेंट्स कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं पॉपुलैरिटी में? ये सवाल एक बार आपका नाम बता देंगे मुझे ज़रा? सृजन। सृजन, पहली बात तो मुझे लगता है कि विचार की दुनिया में हम उत्तर उत्तर आधुनिकतावाद के दौर से लगभग गुजर रहे हैं, और उत्तर आधुनिकतावाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो ये कहता था कि दुनिया में हमें, हाँ, कि हम विचार की दुनिया में उत्तर उत्तर आधुनिकतावाद के दौर से गुजर रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की हम बात करते हैं, हालांकि उसमें एक मत नहीं है। पर मैं मानता हूं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म की जो पूरी धारा थी वो ये कहती थी कि हाशिए के लोगों का अध्ययन नहीं हुआ, हमें उसको अध्ययन में लाना है। मैं विचार की दुनिया से कहूंगा कि वो चीज़ पोस्ट मॉडर्निज्म की जो हाशिए पे अध्ययन की जो बात थी वो धीरे धीरे दूसरे आर्ट फॉर्म्स में आई जिसमें लिटरेचर भी शामिल है। तो लिटरेचर में जिस तरह से कम हिंदी के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कि हालांकि जिसे कहना चाहिए पोस्ट मॉडर्निज्म साहित्य में मार्क्सिज्म के थ्रू आता है, और यहाँ पे हम स्त्री विमर्श दलित विमर्श जो देखते हैं वो उसी के थ्रू आता है, और जो पोस्ट मॉडर्निज्म की जो धारणा है पूरी की पूरी वो टोटैलिटी की बात करती है कि हम सारी चीज़ों को किसी हाशिए के विशेष संदर्भ में नहीं देखेंगे, और हाशिए की बात भी करेंगे तो हम सबको समग्रता में लेते हुए बात करेंगे, टोटैलिटी में अगर हम बात करेंगे। तो अभी भी अगर किसी तरह से हम ये बात करेंगे कि जो पिछली जो धारणा थी अगर वो कैरी ऑन होती है, जो आंदोलनों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वो विचार की जो धारणा है वो साहित्य में आके आंदोलन का रूप लेती है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ कुछ विषयों को जो अब तक अनड्रेस्ड रहे हैं, असंबोधित जो विषय रहे हैं उनको वो संबोधित करते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर आके किसी न किसी खालीपन को भरती हैं, वो उनकी सार्थकता है। पर अल्टीमेटली तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि वो कुल मिला के पूरे सामाजिक दायरे, पूरी समग्रता में पूरी सोसाइटी की बात करें। तो और कोई भी आंदोलन मुझे लगता है कि अमर तो नहीं होता है, इंसान भी अमर नहीं होता, ख्याल भी अमर नहीं होता, चीजें वक्त के साथ बदलती हैं, तो आंदोलन भी बदल गए, तो हमें उसको एक्सेप्ट उसी रूप में करना चाहिए। पता नहीं मैं आपका जवाब दे पाया नहीं दे पाया, कोशिश की है मैंने। जी नमस्कार, मेरा नाम रमेश है। मेरा प्रश्न ये है कि आज तक वेस्ट में होलोकॉस्ट और नाजी और वर्ल्ड वार टू
विषय बने हुए हैं, उस पर नई रिसर्च आती हैं, नई किताबें लिखी जाती हैं, नई कहानी लिखी जाती हैं, लेकिन पार्टीशन शायद इस सब कॉन्टिनेंट का एक ऐसा इशू है जो ऑलमोस्ट एक समय के बाद अब उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई लिख नहीं रहा है, जबकि वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ें रिपीट ना हो तो हमें उनके बारे में गंभीरता से बात करनी चाहिए। मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। देखिए भाई साहब, जब के पार्टीशन हुआ उसके फौरन बाद, जैसे कि मैं हिंदी के बारे में तो इतना नहीं जानती, उर्दू में इस पर इतना अच्छा लिखा गया और इतना ज़्यादा लिखा गया, जिसमें सबसे बढ़कर तो सादत हसन मंटो हैं, उन्होंने लिखा, फिर कृष्णचंद्र हैं उन्होंने लिखा, राजेंद्र सिंह बेदी हैं उन्होंने लिखा जी। आज क्यों नहीं रिलेवेंट? देखिए मुझे ये लगता है, देखो हिंदी में भी हम लिखेंगे जी, हिंदी पंजाबी बंगला उर्दू अंग्रेजी इन तमाम भाषाओं में लिखा गया, बॉडी ऑफ पार्टीशन लिटरेचर है। देखिए मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एज ए लेखक मैं क्या महसूस करती हूं, वो तो पार्टीशन हुआ, फिर पाकिस्तान को तो एक और बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ और वो था वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बन जाना, वहाँ पर जो खून खराबा हुआ वहाँ पर, तो मैंने तो उसमें उसके पर एक पूरी मतलब मेरी नॉवल है जिंदा बहार, जो कि उसका बताती है सारा का सारा कि कहाँ पर क्या हो रहा था, कौन लोग मारे जा रहे थे। पर पिछले दिनों हमारे पास कोई आया और उन्होंने कहा कि हम जाकर और करना चाहते हैं ये बांग्लादेश में ये कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं कि उस ज़माने में क्या हुआ था। देखिए मेरा दिल नहीं चाहा कि जाऊं, मैंने कहा कि इस बात को भुला दीजिए, मैंने कहा कि ये कहानियां तो सिर्फ नहीं हैं, अब वो वक्त गया, अब हम एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं और हम आगे चलना चाहते हैं, तो अब हमको एक पूरा नया आगाज़ करना है। तो ये बात है, आपको मैं बताऊँ हॉलोकास्ट के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा गया, ठीक है ना, हॉलोकास्ट पर इसलिए लिखा गया क्योंकि ज्यूज जो थे वो पूरे यूरोप में बहुत ही परसिक्यूटेड थे, उसके बाद फिर उनको एक देश उनको मिला इसराइल के नाम से, राइट, तो उनको वो सारी की सारी चीज़ें बतानी थी कि भाई हमारे साथ ये किया गया। लेकिन आप देखें ना इसकी पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स ये है कि एक बड़ी वॉर हुई थी जिसके अंदर ये अलग थे, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप अलग हो गया था और जर्मनी फिर हार गया था, तो उस ऑडियंस के अंदर उन्होंने वो सारी की सारी बातें लिखी और वो लिख सके। लेकिन उसके बारे में लोग क्वेश्चंस भी अब तो उठा रहे हैं, तो इसी तरीके से जो मसले अब हैं और जिन्हें हल होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि एज ए लेखक मैं उस पर लिखना पसंद करूँगी। मेरे देश में शिया लोग मारे जा रहे हैं, मैं उस पर लिखना पसंद करूँगी, बम फाड़े जा रहे हैं रोज़ के, उस पर लिखना पसंद करूँगी क्योंकि ये तो अब सॉल्व होने चाहिए। जो दुख हम एक दूसरे को दे चुके हैं, मुझे लगता है उन जख्मों को कुरेदने से क्या हमें सचमुच कुछ मिल सकेगा। एक बात मैं कहना चाहूंगी, नहीं आप सुनिए, अभी भी लिखा जा रहा है पर अब जो लिखा जाएगा वो वैसा नहीं होगा जैसे मंटो। मैं यही कहना चाहता हूँ निरूपमा जी, आपको मैं बताऊं, खामोश पानी, मुश्किल से एक साल हुआ होगा जब मेरी ही एक कहानी छपी, बसीरा और रामेश्वर, उसमें एक आदमी इंडियन आदमी जर्नलिस्ट है, वो पाकिस्तान जाता है और वहां वो एक बसीरा है जो आके बीच में बैठ के बड़े इनफॉर्मल ढंग से चाय पी के चला जाता है, घूमने लगता है, वो करने लगता है, तो सारे लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, फिर उसको जिज्ञासा होती है कि ये क्या करेक्टर है, तो लोग बताते हैं कि ये बसीरा है, इसका दिमाग फिर गया है और ये कहीं भी जाके किसी भी चूल्हे में जाके कुछ भी ले लेता है और कोई इसको ये ऐसा करेक्टर है, तो एट दी सेम टाइम उसे अपने गाँव का एक करेक्टर याद आता है और वो उस करेक्टर के बारे में फिर नेरेट करता है, तो वो कहानी मुझे जाने दीजिए मेरी बात नहीं, वो कहानी ये बतानी चाहती है कि आज हमें अपने अपने बसीरे और अपने अपने रामेश्वर की सार संभाल करनी है।
बिल्कुल ठीक है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है बदल गया। और कॉन्टेक्स्ट बदल गया और इतने बरसों बाद जो पार्टीशन का इफेक्ट है उसकी बात हो सकती है, उस समय की बात मुश्किल है। दुष्यंत जी दो लाइनें कहेंगे और दो फिर... बात कहना चाहूंगा। हाँ, मैं शायद मालचंद जी कुछ उसको ब्रीफ कर चुके हैं, मुझे लगता है कि एक पूरी पीढ़ी जिसने वो दर्द भोगा था, वो उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, या वो बहुत से लोग हो सकता है गुजर चुके हों, एक नई पीढ़ी जो है वो उससे किताबों और फिल्मों के जरिए देखती है पार्टीशन के दर्द को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि वो पीढ़ी जो उसे किस्सों में सुनती है, फिल्मों में देखती है, कहानियों में पढ़ती है, तो एक तो एम्पैथी और सिंपैथी का साफ तौर पे फर्क मानता हूँ, जिन्होंने दर्द को महसूस किया था, दूसरे जो दर्द को सुनते हैं, तो लिखने में एक फर्क ये साफ तौर पे रहेगा। और दूसरी बात ये कि दर्द का कैरी ऑन होना, और शायद ये बंधु जो भाई साहब कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उस पर मैं दो कोट करके बात अपनी खत्म करूंगा। वो ये कि जब गांधी बाबा ने को मजबूर होना पड़ा कि वो पार्टीशन को स्वीकार करेंगे, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में इस बात को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि हालात ऐसे हैं कि हमें इस बंटवारे को कबूल करना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूँ कि ये स्थायी ना हो। पहली बात, गांधी जी का आखिरी स्टेटमेंट जब उन्होंने पार्टीशन कबूल किया था तब की बात है ये। दूसरी बात, राम मनोहर लोहिया जो कहते थे, वो मैं कभी नहीं भूलता हूँ, कि भारत और पाकिस्तान या तो एक हो सकते हैं या दोनों लड़ते झगड़ते रहेंगे। ये दो अलग तरह के स्टेटमेंट्स हैं, और इन्हीं दोनों के साथ हमारे दर्द और तकलीफें और रंज सब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चारों कहानीकारों को बहुत, हमारा समय हो गया है, हमें अब मना किया जा रहा है, थोड़ा नीचे बात कर लेंगे जब उतरते हैं। देखिए, जब हमने सुना यहाँ पर कि हम लोगों के हमारे पाकिस्तान में जो यानी ब्रॉड माइंडेड लोग हैं वो काफ़ी इंडिया को आइडियलाइज करते रहे हैं, और हम सोचते हैं कि ये तो देखिए कितने सारे मज़हब यहाँ हैं, यानी कोई दुनिया का मज़हब नहीं होगा जो यहाँ नहीं है, जैसे सीरियन क्रिश्चियंस तो सीरिया में भी नहीं हैं मगर इंडिया में हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं, तो और वो लोग रह रहे हैं। फिर यहाँ पर जो तहरीक चली मूवमेंट के, भाई वो तो बना दें हम, तो हम हिंदू राज करेंगे, तो हमने कहा अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल हम जैसे निकल आए कहीं से। तो हमने लिखा कि भाई तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। प्रेत पुराने नाच रहे हैं, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन ताराज करोगे, तुम भी बैठे करोगे सोचा पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी, होगा कठिन यहाँ भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहाँ भी सबकी सांस घुटेगी, कल दुख से सोचा करती थी, सोच के बहुत हंसी आ जाई, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, हम दो कौम नहीं थे भाई। मश्क करो तुम आ जाएगा उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न मन में दू जाए, बस पीछे ही नजर जमाना, एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कितना कैसा वीर महान था भारत, कितना आलीशान था भारत, फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस पर लोग पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना।